कक्षा अष्टम विषय इतिहास पाठ दो का द्वितीय इकाई प्रशासन की इकाई। भारत में कंपनी प्रशासन के निम्नलिखित चार इकाइयों के द्वारा चलाया जाता था, एक नागरिक सेवा, दूसरा सेना, तीसरा पुलिस, चौथा न्यायपालिका। नागरिक सेवा के अंतर्गत कलेक्टर, मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश। नागरिक सेवा का दायित्व समान प्रशासन, सेना जिसका दायित्व ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और उसकी सुरक्षा, पुलिस जिसका दायित्व देश में शांति एवं व्यवस्था बनाकर रख, न्यायपालिका का दायित्व झगड़ों का निपटारा और न्याय करना। नागरिक सेवा 1793 ईस्वी में भारतीय नागरिक सेवा इंडियन पैनल को प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। कॉर्नवालिस ने प्रशासन की व्यवस्था एवं राजस्व शाखाओं को पृथक कर दिया। उसने अधिकारियों के लिए सख्त नियम कायदे बनाए, उनके वेतन में वृद्धि तथा पदोन्नति का आधार वरिष्ठता को बनाया। उसने इस नियमों को कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। अब तक युवा पदाधिकारी की नियुक्ति कंपनी के निर्देशकों द्वारा की जाती थी, उसके स्थान पर उनकी भर्ती के लिए सन 1853 में एक लिखित परीक्षा प्रारंभ की गई। युवा सिविल अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कॉर्नवालिस ने भारतीयों को प्रशासन से दूर रखने की नीति अपनाई, क्योंकि उनकी धारणा थी कि भारत का प्रत्येक निवासी भ्रष्ट है, इसीलिए भारतीयों को उच्च पदों पर प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। उनके लिए केवल अधीनस्थ सेवाएं ही खुली थी। 500 पौंड प्रति वर्ष से अधिक वार्षिक वेतन वाले समस्त पद अंग्रेजों के लिए आरक्षित थे। प्रशासन को अधिक नियमित एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश भारतीय सीमाओं को जिले में विभाजित किया गया। पहला कलेक्टर, जिले का संपूर्ण प्रशासन कलेक्टर के साथ साथ राजस्व वसूली के कार्य की भी देखभाल करता था। उसका दफ्तर कलेक्ट्रेट कहलाता था, जो शीघ्र ही सत्ता एवं शक्ति का नया केंद्र बन गया। धीरे धीरे अब तक सत्ता का उपयोग करने वाली सब इकाइयां उनका स्थान ले ली। मजिस्ट्रेट कानून एवं व्यवस्था बना करके रखता था। न्यायाधीश न्याय का कार्य करता था। सेना, एक शक्तिशाली सेना के कारण ही अंग्रेज एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर पाए। सेना तीन उद्देश्यों की पूर्ति करती थी, नए क्षेत्रों की विजय, अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंदियों से ब्रिटिश सीमाओं की रक्षा तथा भारतीय शासकों के विद्रोह का दमन। सेना में भारतीय सिपाहियों की भर्ती सर्वप्रथम कर्नाटक युद्धों के दौरान हुई। उनकी बड़ी